बेलतरोड़ी थाना अंतर्गत खापरी स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड खापरी डिपो वर्धा रोड पर ज्वेलर्स किचन और रेस्टोरेंट के सामने सिलेंडर से भरा ट्रक तीन लोगों ने चोरी कर लिया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार न्यूसुबेदार लेआउट निवासी फिरियादी नितिन बेलखोड़े के मालकियत का ट्रक क्रमांक MH 31 CB 7651 है। यह ट्रक उनके चालक राजेंद्र रमुलाल अजीत चलाते थे। चालक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ट्रक में HP कंपनी के 450 गैस सिलेंडर कुल कीमत 13,50,000 रुपए भरकर बेलतरोड़ी थाना अंतर्गत खापरी स्थित डिपो वर्धा रोड पर जेलर्स किचन और रेस्टोरेंट के सामने सिलेंडर से भरा ट्रक खड़ा किया था और चालक थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चला गया। उसी समय आरोपी रतनगंज नागोबा मंदिर झोपड़पट्टी अमरावती निवासी कैलाश बाबूलाल राठौड़ और भारत भास्कर हरडे ने ट्रक चोरी कर लिया। ट्रक की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई है। ऐसा कुल मिलाकर 19 लाख रुपयों का माल चोरों ने चोरी कर लिया है। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास खोजबीन की तो आरोपियों का पता चला। पुलिस ने कैलाश बाबूलाल राठौड़ को गिरफ्तार किया है तो फरार आरोपियों की खोज शुरू है। यह ट्रक क्रमांक MH 31 CB 7651 है। या ट्रक हा जो ट्रक है हा HP सिलेंडर वाहतुकीचं काम करतो। त्याने HP कंपनीमध्ये सिलेंडर भरले 450 सिलेंडर आणि तो तिथून बिल घ्यायला कंपनीत गेला असता त्याचा ट्रक अज्ञात लोकांनी चोरून नेला। त्यात त्या ट्रकवर GPS सिस्टीम होती। त्या ट्रकचे जे मालक आहे नितीन बेलखोडे यांनी पोलिसांना तक्रार दिल्यावरून आपण ताबडतोब कारवाई केली आणि पोलीस ताबडतोब जाऊन त्या GPS सिस्टीममध्ये तो ट्रक जामकडे जाताना दिसत होता। जाम येथे त्या ट्रकला ताब्यात घेतला। त्या ट्रकमधला संपूर्ण माल आणि तो ट्रक असा एकूण 13,50,000 माल जप्त करण्यात आला। त्याच्यात एक आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे, त्याचं नाव आहे कैलास राठोड। इतर 3 ते 4 आरोपी फरार आहेत, त्यांचा शोध घेणं सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News।